नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ अनिवार्य। राज्य में अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बिना संविदा पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी तरह के नियोजन प्रक्रिया में उम्मीदवार को खुद की सारी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। इसके तहत अगर किसी उम्मीदवार ने अपने ऊपर दायर आपराधिक मामले को छिपाया तो उसे कदाचार माना जाएगा। इसलिए अन्य जानकारी के साथ ही अभ्यर्थियों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की सही सही सूचना देनी होगी, जिसके बाद अभ्यर्थी के फॉर्म के सत्यापन के लिए संबंधित डीएम के माध्यम से पुलिस के पास भेजा जाएगा। इसके बाद चरित्र सही पाए जाने के बाद ही अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने स्थायी नौकरी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट को वर्ष 2006 से ही अनिवार्य कर दिया था। वहीं अब कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी के लिए भी इसे जरूरी कर दिया गया है। केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन KCMMF ने निकाली रिक्तियां। केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन KCMMF ने तकनीशियन जूनियर सहायक, तकनीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन, तकनीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रॉनिक्स, तकनीशियन ग्रेड 2 MRAC, प्लांट सहायक ग्रेड 3 के कुल मिलाकर 99 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक अनुशासन में 10वीं बीकॉम आईटीआई की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट MILMA.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। आने वाले 15 दिनों तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। इन दिनों बसंत ऋतु में ही धूप के तपिश और उमस ने लोगों को गर्मी के मौसम का एहसास दिला दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पटना समेत बिहार के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के आसपास बना रहेगा। हालांकि फिलहाल न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री के आसपास है। वहीं मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार अगले 15 दिनों तक आंधी तूफान की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा गरज और बारिश होने के भी आसार हैं, जिससे अधिकतम तापमान से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल राज्य के कई हिस्सों में तेज पछुआ हवाएं चलनी शुरू हो गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में दोपहर के वक्त धूल भरी आंधी जैसी स्थिति हो गई है। पंचायत चुनाव के लिए आई नई गाइडलाइन। सूबे बिहार में आगामी पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग लगातार नए दिशा निर्देश जारी कर रही है। इसके तहत एक बार फिर से आयोग ने नई गाइडलाइन को जारी किया है। इसके अनुसार एक जिले में सभी पंचायतों में एक ही दिन में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसका मतलब है कि एक जिले में किसी भी परिस्थिति में चुनाव के लिए दो तारीखों का निर्धारण नहीं किया जाएगा। वहीं आयोग ने यह भी बात कही है कि छोटे जिलों को बड़े जिलों के साथ जोड़कर भी चुनाव कराए जा सकेंगे। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही जिलों में बूथों की संख्या बढ़ाई जाएंगी। यहां आपको ये भी बता दें कि पंचायत चुनाव कब होंगी इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी नहीं मिली है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 15 जजों ने ली वैक्सीन की पहली खुराक। देश भर में तीसरे फेज में शुरू हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल समेत 15 अन्य जजों ने IGMS में कोरोना का टीका लगवाया। इससे पहले उन लोगों को हाईकोर्ट के अस्पताल में ही टीका लगाया जाना था, लेकिन IGIMS में पोस्ट वैक्सीनेशन की सुविधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने IGIMS में ही सभी जजों और इसके साथ ही सभी विधायकों का टीकाकरण कराने का निर्णय लिया है। IGIMS में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव आदि को भी कोरोना टीका का पहला डोज दिया गया। वहीं यहां आम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा अभी कई निजी व सरकारी अस्पतालों में भी रजिस्ट्रेशन करने में समस्या आ रही है। PMCH, न्यू गार्डिनर जैसे अस्पतालों में टीकाकरण व रजिस्ट्रेशन कराने आए कई लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के ही लौटना पड़ा। वर्षों से ढेर के रूप में पड़े कचरे के ट्रीटमेंट का काम राज्य भर में होगा शुरू। राज्य के कई शहरों में सालों साल से जमे पड़े कचरे के विशाल ढेरों से अब निजात मिलेगी और इसकी शुरुआत राजधानी पटना से की जा रही है। NGT ने लेगेसी वेस्ट को लेकर सभी शहरी निकायों को आदेश दिया है कि नगर निगम अपने यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का सख्ती से पालन करे। पटना नगर निगम ने कचरे के ट्रीटमेंट के लिए एजेंसी के चयन प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। इसके तहत बेरिया में 300 टन क्षमता वाले प्लांट की स्थापना की जाएगी जो कचरे का प्रबंधन करेगा। इसके साथ ही वहां कंपोस्ट बनाने का प्लांट भी लगेगा। असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली के लिए इंटरव्यू की तिथि में हुआ बदलाव। BPSC ने सहायक अभियंता की बहाली के लिए कुछ चुनिंदा तिथियों पर होने वाले इंटरव्यू के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के 7 विभागों में 1282 सहायक अभियंता की बहाली होनी है, जिसके लिए 13, 14, 20 और 21 मार्च को इंटरव्यू होने वाली थी, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित करने की बात कही गई है। इसके साथ
साथ ही 15 मार्च से 19 अप्रैल तक होने वाले साक्षात्कार कार्यक्रम पहले से निर्धारित तिथि के ही मुताबिक होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बिहार सरकार कर रही है ये बदलाव। आने वाले दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बिहार सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत राज्य में खुलने वाले ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से मिलने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएंगे। परिवहन विभाग इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसे जल्द ही आदेश जारी कर लागू कर दिया जाएगा। बिहार में इसके तहत 61 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। फिलहाल राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मोटर यान निरीक्षक के सामने गाड़ी चलाने का टेस्ट देने के बाद ही लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। गर्मी से राज्य के गेहूं उत्पादक किसान हुए परेशान। सुबह बिहार में गर्मी से पहले ही गर्म मौसम ने रबी फसल का उत्पादन करने वाले किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। फरवरी महीने में जहां तापमान 20 डिग्री से नीचे रहना चाहिए था, वहीं बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच गया है। इस मिजाज के कारण किसानों को गेहूं के उत्पादन में 25% तक का नुकसान पहुंच सकता है। अगर आने वाले 10 दिनों तक ठंड और रह जाती है तो किसान गेहूं की अच्छी फसल निकाल सकते हैं। हालांकि इस दौरान राज्य में जहां जहां गेहूं की फसल पक गए हैं और फल लग गया है, वहां इस मौसम में नुकसान थोड़ा कम होगा। बिहार प्रशासनिक सेवा के 53 अधिकारी बनेंगे IAS। जल्द ही बिहार प्रशासनिक सेवा के 53 अधिकारियों को IAS अफसर के तौर पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि बिहार के 14 ऐसे IAS अधिकारी हैं जिन्हें एक से अधिक का प्रभार सौंपा गया है। इसके तहत गृह विभाग के प्रभारी मंत्री ने सदन में यह भी बताया कि वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 202 पदाधिकारी राज्य भर में कार्यरत है। उनमें मुख्य सचिव के 11 पदाधिकारी, प्रधान सचिव स्तर में 15, सचिव के 27 अधिकारी, नीचे के वेतनमान में 118 और कनीय पद पर 31 अधिकारी काम कर रहे हैं। IAS के विभिन्न स्तरों के 31 पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। बिहार में पुलिस विभाग के कई थानाध्यक्षों का हुआ तबादला। राज्य में पंचायत चुनाव को देखते हुए कई जिलों में पुलिस विभाग लगातार फेरबदल कर रही है। इसी सिलसिले में अब पश्चिमी चंपारण जिले में पुलिस विभाग ने 27 थानाध्यक्षों का तबादला कर दिया है। इसके तहत पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर ही थानाध्यक्षों को नई जगह पर योगदान देने के लिए भी आदेश जारी कर दिया है। पुलिस विभाग का कहना है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह तबादला किया गया है। जिले में क्राइम को कंट्रोल करने और आने वाले चुनाव के मद्देनजर ट्रांसफर के कदम उठाए गए हैं। राजधानी पटना में CM ने किया इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन। पटना में आज से इलेक्ट्रिक लग्जरियस बसों का परिचालन शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवाद भवन से किया। इस क्रम में कुल 70 बसों का शुभारंभ किया गया। इसके तहत 15 लग्जरी बसें, 25 डीलक्स एवं 30 सेमी डीलक्स बसों का परिचालन बिहार के 43 अलग अलग मार्गों के लिए किया गया। बता दें कि इनके चलने से सभी 38 जिलों से राजधानी पटना की कनेक्टिविटी और भी बेहतर होने वाली है। वहीं इलेक्ट्रिक बसों के चलने से प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिल सकेगा। इनमें 15 इलेक्ट्रिक बसों के लिए फुलवारी शरीफ में 1200 किलोवाट के चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अनुसार हर रात यहां से बसें चार्ज होने के बाद यहीं से खुलेंगी। तेजस्वी ने ममता से मुलाकात कर दिए गठबंधन के संकेत। बंगाल दौरे पर गए RJD नेता तेजस्वी यादव ने बीते दिन कोलकाता में CM ममता बनर्जी से मुलाकात की। यह मुलाकात बंगाल चुनाव में तेजस्वी की भूमिका को लेकर संकेत दे रही है। तेजस्वी ने इस मुलाकात में ली गई तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की और लिखा कि देश में बंगाल की विशिष्ट पहचान है। बंगाल के लोग बहुत ही प्रबुद्ध हैं। यहां की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बंगाल के लोग विभाजनकारी नीति में यकीन रखने वाले बाहर के लोगों के हाथों बंगाली संस्कृति और पहचान को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। इस मुलाकात के बाद से ही फिर से अनुमान लगाया जा रहा है कि RJD नेता तेजस्वी यादव बंगाल चुनाव में TMC से गठबंधन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान राजद के वरीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक भी मौजूद थे। रिकी पॉन्टिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने में महज एक शतक दूर हैं विराट कोहली। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच 4 मार्च को खेला जाएगा और इस मैच में कप्तान कोहली के पास रिकी पॉन्टिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का सुनहरा मौका मिल सकता है। दरअसल एक कप्तान के तौर पर खेल के तीनों फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अभी विराट और रिकी पॉन्टिंग दोनों के नाम दर्ज है। दोनों ने ही कप्तान के तौर पर कुल 41 सेंचुरी लगाई है। वहीं अगर इस मैच में कैप्टन विराट कोहली एक शतक जड़ देते हैं तो इस मामले में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। विराट की सेंचुरी का उनके फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोहली ने अपना आखिरी टेस्ट शतक नवंबर 2019 में लगाया था, जिसके बाद वे 11 पारियां खेल चुके हैं लेकिन एक भी सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं। जानवी कपूर बनी इंस्टाग्राम सेंसेशन। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर इन दिनों अपनी ग्लैमरस फोटो की वजह से काफी चर्चे में है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम के हालिया पोस्ट में अपनी कई खूबसूरत तस्वीरों को शेयर किया है। इस फोटो में वह ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा बैक इन ब्लैक। सोशल मीडिया पर जानवी के इस फोटो को
खूब पसंद किया जा रहा है। फोटो देखकर उनके फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कमेंट कर रहे हैं। एक्ट्रेस की ये फोटो जमकर वायरल भी हो रही है। जाह्नवी कपूर न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपने स्टाइल और फैशन च्वाइस को लेकर भी चर्चा में रहती है। बता दें कि इन दिनों वे अपनी आने वाली फिल्म रूही को लेकर प्रमोशन में लगी हुई है। इस फिल्म में जाह्नवी के साथ राजकुमार राव और वरुण शर्मा भी नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही आने वाली फिल्म दोस्ताना और तख्त में भी वे नजर आने वाली हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार इस बार समय से पहले गर्मी का मौसम आने के कारण आम जीवन में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।